नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट कारनामा में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये जो गेम है ना, ये क्रिकेटर्स की है, ये क्रिकेटर्स को का ये प्लेइंग फील्ड है। यहाँ पे बाहर से लोग आके जब हमला करते हैं और समझते हैं जी कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं, और फिर मैं तो यही कहूंगा कि एक बंदे को लाने के लिए, नजम सेठी को, आपको पूरी आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दी उनको एडजस्ट करने के लिए, ये मैंने दुनिया में कहीं होते हुए नहीं देखा। यानी कि एक तौर तरीका होता है, फिर मिडल ऑफ द सीजन जब टीम्स आ रही हैं, फिर आपने चीफ सेलेक्टर बदल दिया, चाहे वो अच्छा काम कर रहे थे गलत कर रहे थे। पॉइंट ये कहने का है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, इज्जत के साथ आप लोगों को रवाना करते हैं। इसी तरह से 2:15 बजे वो ट्वीट कर रहे हैं रात को कि जी रमीज राजा बाहर हो गए हैं, मुझे मुबारकबाद देना शुरू करते हैं। मैंने टेस्ट क्रिकेट खेली है, ये मेरा प्लेइंग फील्ड है, आप समझे या नहीं। तो आपको फिर आपको चुभन और हर्ट होती है, इसलिए कि ऐसे लगता है जैसे कोई मसीहा आ गए हैं जो कि क्रिकेट को पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे। हालांकि रमीज की जहां तक ये बात है कि मतलब कैसे बोलते हैं कि गलत तरीके से हटाया गया, बहुत मैं अग्री करता हूँ। जहां वो ये कह रहे हैं कि जी नजम सेठी को कुछ नहीं पता इतना क्रिकेट का, उन्होंने बल्ला भी नहीं पकड़ा, यहाँ पर भी मैं अग्री करता हूँ कि ठीक है जी। फिर उन्होंने अपना कहा कि जी वो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है तो उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, दुख होता है उनको, वो चीज़ों को फील करते हैं। लेकिन जो कुछ बातें रमीज ने की, अगर मैं बात करूँ जो उन्होंने कहा कि एक जगह उन्होंने ये कहा इंटरव्यू में कि जी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स को जिन प्लेयर्स ने टेस्ट खेला है उनको इस तरह से नहीं निकालना चाहिए, उनको इज्जत शो करनी चाहिए, वो ही वॉज रेफरिंग टू मोहम्मद वसीम अनार। अब मेरा सवाल फिर ये है रमीज राजा साहब से कि रमीज राजा साहब आपने ये चीज़ सोची थी जब आपने मिसबा और कैसे बोलते हैं वकार को मार्चिंग ऑर्डर दिए थे आते ही, मतलब एज सून एज यू केम इनटू द बोर्ड एंड यू मेड द चेंजेस व्हेन पाकिस्तान वाज गोइंग टू द वर्ल्ड कप। यार पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था, 2 हफ्ते भी नहीं थे, पाकिस्तान टीम वापस आई वेस्ट इंडीज से और जिम्बाब्वे से, आपने यूं करके चेंज कर दिया मिसबा और वकार हुआ कि चलो जी चलते बनो। तो भाई आपने भी यही चीज की जो आप नजम सेठी कर रहे हैं मोहम्मद वसीम के साथ या सकलेन के साथ। सकलेन तो खैर वैसे भी जाने ही वाला था जनवरी में, उसका ये लास्ट असाइनमेंट है, लेकिन यू डिड द सेम थिंग रमीज राजा साहब, तो आप क्यों अब शिकायत कर रहे हैं। रही बात पॉलिटिकल मतलब इंटरफेरेंस की, व्हाट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये होती है भाई कि जो प्राइम मिनिस्टर बन के आता है वो अपने बंदे को लेकर आता है जी, ये गलत है। मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्ट होने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पर कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ता है। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने वो एहसान मानी को लिया, उसके बाद फिर वो आपको लेके आ गया। अच्छा नजम सेठी की एक बात बिल्कुल ठीक थी, आज उन्होंने सही बात की, उन्होंने कहा कि यार मैंने तो रिजाइन कर दिया था 2018 के में ही जब इमरान की गवर्नमेंट आई, इसलिए क्योंकि आई फेल्ट कि जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा उसका राइट है वो अपने बंदे को लाए। बट आई डोंट अग्री विद दैट, प्राइम मिनिस्टर का कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए भाई क्रिकेट से। मैं ये कह रहा हूं, मैं कहता हूं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अपॉइंटमेंट है उससे क्यों गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उसके अंदर, क्यों मतलब व्हाई डोंट वी हैव अ प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विद दी एफिलेटेड एसोसिएशन एंड डिपार्टमेंट वगैरह जो भी अब फिर से रिवाइव होंगे, क्यों प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रही है। सालों साल से हम देख रहे हैं, पहले प्रेसिडेंट होता था चीफ पेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अब प्राइम मिनिस्टर है, तो रमीज को अब क्यों ख्याल आ रहा है भाई कि सियासी इंटरफेरेंस होना चाहिए। ये तो हर दफा हुआ है और वो खुद भी एक तरह से सियासी इंटरफेरेंस ही है, क्योंकि इमरान की जो अपॉइंटमेंट थी ठीक है ही द फॉर्मर क्रिकेटर, लेकिन इमरान की अपॉइंटमेंट थी ना, तो इट वॉज बेसिकली पॉलिटिकल थिंग। तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये चीजें गलत है, लेकिन अब जो रमीज बातें कर रहे हैं आई एग्री टोटली कि सही तरीके से उनको डील नहीं किया गया, ये तरीका नहीं था रमीज को हटाने का, बिकॉज ही वाज नॉट डूइंग सच अ बैड जॉब। लेकिन ये ओवरऑल हमारा सिस्टम जो है रॉटन है, एंड दिस नीड्स टू चेंज, एंड दिस विल ओनली चेंज व्हेन दिस थिंग स्टॉप। यू नो ठीक है इमरान खान फॉर्मर क्रिकेटर खुद भी रहा है, कप्तान भी रहा है, लेकिन उन्होंने भी जो डिसीजन लिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो कौन से अच्छे थे। उन्हीं के कहने पे इमाम पे सरफराज को हटाया गया और एक मतलब एक गलत सिलसिला स्टार्ट हुआ, उन्होंने ही मतलब मिकी ऑथर को तो मतलब यार छोड़े इन बातों को। तो बहरहाल अब रमीज जो है वो लग रहा है कि वो मतलब वॉर पार्ट पे जाएंगे, तो आई डोंट थिंक थिंग्स आर गोना बी वेरी कॉर्डियल बिटवीन हिम एंड नजम सेठी। नजम सेठी का जो आज मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेसिकली जो मुझे सबसे जो उसमें इंटरेस्टिंग चीज लगी कि वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे कि यार मेरे जो आज एक असल में किसी और आज पीटीआई वालों ने गालिबन जो है ना बेसिकली सोशल मीडिया पे